हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSC फॉर फिजिक्स। जैसा कि मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है और जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम था उसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आज का लेक्चर क्या है, उसमें मैं आपको स्टीफंस ला बताऊँगा, जो मतलब कि दो नंबर के पॉइंट टाइप दूसरे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट टू में, वो मैं सारे आपको PDF के थ्रू ही समझा दूंगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एनर्जी डायग्राम, ये सारे दो नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे भी जाते हैं। यूनिट 3 से दो नंबर में आराम से 6 नंबर का आता है, मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे आपको सेक्शन ए में, वो भी यूनिट 3 के मिलेंगे, ठीक है। जैसा स्टीफंस ला में देखो क्या होता है, स्टीफंस ला क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ जो हीट है रेडिएट बाय परफेक्ट ब्लैक बॉडी। मीन्स आप सिंपल याद कर लो फॉर्मूला से आपको डेफिनेशन बनानी है। फॉर्मूला क्या होता है, E proportional dE power पोल, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ जो हीट है वो रेडिएटेड किसके द्वारा होती है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के द्वारा होती है। कैसे होती है, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया में होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th power ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। भाई इसमें लिखा है कि जो ई है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का कितना है, वो 4th power है, ठीक है। भाई इसमें लिखा हुआ सिंपल वे में, मीन्स जो ई क्या है, पर जो टोटल अमाउंट ऑफ ईट है, जो हीट है जो रेडिएटेड होती है, किसके द्वारा रेडिएट होती है, ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी के द्वारा। कैसे होती है, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया में, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, किसे, 4th power के। और टेम्परेचर कैसा होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर वाइवा में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल भी होगा स्टीफंस ला का ना। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, पहले आपको ईक्वल सिग्मा, देखो आपको पहले आपको ये पता होना चाहिए E = σT^4 आपको पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद सिग्मा क्या होता है, यहाँ पर यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट होता है जिसे हम स्टीफंस कॉन्स्टेंट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, इसके वैल्यू पूछ देता है, इसका वैल्यू क्या होता है सिग्मा का, आपको पता भी होना चाहिए क्या होता है, 5.67 × 10⁻¹। इसका यूनिट भी पूछ देता है, याद रखना, विद यूनिट इसका वैल्यू पूछेगा आपसे एग्जामिनर। एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ, NDA हुआ, इसमें इसका मात्रक वैल्यू उसमें भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ई का वैल्यू Q/80 के रूप में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इसको हम, और σT^4 था, σ = निकालोगे तो क्या होगा, Q/80 T^4। क्यू क्या होता है, जूल होता है, ए क्या होता है, मीटर स्क्वायर सेकेंड, केल्विन का पोल जूल प्रति सेकेंड, P = W/T आपने पढ़ा ही होगा, जूल प्रति सेकेंड डेट इज वाट, मीटर इनवर्स μ^-2, K^-4, इसे लिख सकते हैं वाट मीटर स्क्वायर पर K^-4। उस सिंपल डेरिवेशन है आपका, सिंपल यूनिट निकाल सकते हो आप इसके थ्रू, और वैल्यू अब याद कर लो 5.67 × 10⁻¹ होता है, और मात्रक याद कर लो वाट प्रति मीटर स्क्वायर K^-4, ठीक है। ये आपका एग्जामिनर 100% नहीं, आपका आपको प्रैक्टिकल में लिखने को मिला तो आपसे नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछेगा, ओके। अब देखो दिस लॉ इज द, इस लॉ को हम ये भी कह सकते हैं स्टीफंस लॉ को, कि दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड द स्टीफंस 4th power लॉ, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ई होता है प्रोपोर्शनल T^4 क्यों होता है, इसलिए स्टीफंस 4th power लॉ इस नाम से भी कभी कभी पूछ देता है। आपको साथ साथ ये भी पता होना चाहिए, जो ई होता है वो σT^4 − T0^4 होता है। इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं स्टीफंस बोल्ट्ज़मैन लॉ कहता हूँ। कभी कभी बस आपके में नहीं पूछा जाता है, ये एयरफोर्स एग्जामिनेशन हुआ इसमें पूछ देता है कि स्टीफंस निम्नलिखित में से स्टीफंस 4th power ला या स्टीफंस बोल्ट्ज़मैन ला कौन सा है, तो ये ऑप्शन दिया जाता है E = σT^4, ये ऑप्शन दिया जाता है, और देता है AB दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है, तो आपको ये वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो टी क्या है, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ब्लैक बॉडी का सराउंडिंग, और जो टी नॉट है वो भी अनदर ब्लैक बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। तो E = σ आपको पता ही है, सिग्मा क्या है, स्टीफंस ला है, जिसका वैल्यू क्या होता है 5.67 × 10⁻¹, यूनिट क्या होता है वाट पर मीटर स्क्वायर K^-4, यूनिट कैसे निकाला ये मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अब साथ ही साथ देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बीन्स डिस्प्लेसमेंट ला, थोड़ा सिंपल टॉपिक है, आप पढ़ेंगे एक बार में तो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ यूनिट 2 में पढ़ना क्या क्या है, इसके सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, JSSC फॉर फिजिक्स ज्वाइन कर लो नहीं किए हो तो, ठीक है। अब देखो बीन्स डिस्प्लेसमेंट ला क्या कहता है, ये भी थोड़ा सिंपल ला है, कोई डिफिकल्ट ला नहीं है। जैसा कि इसमें जो फॉर्मूला लिखा है उसी से याद कर लो, λm = 1/T, λm क्या होता है ब्लैक बॉडी जो स्पेक्ट्रम होता है, जिस वेवलेंथ होती है उसे λm कहते हैं, वो प्रोपोर्शनल किसके होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की होती है, ठीक है। जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लिखा है भाई मैं बोल रहा हूँ कि अलग से कुछ समझा नहीं रहा हूँ, अलग से क्या समझा के करूँ यार, आपको क्या इसमें PhD करना है क्या, बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पर PhD करना तो बताओ यार, उसका पूरा बुक आती है डिस्प्लेसमेंट लॉ पर, पूरा 3-4 पेज में उसमें टॉपिक देखोगे किताब में लिखा हुआ है,
स्टैंडर्ड बुक जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स में तो इतना बड़ा नहीं दिया गया, स्टैंडर्ड बुक जैसे भाभी कट्टी की बुक है वो भी बहुत अच्छी बुक है फिजिक्स के लिए, प्रोफेसर लोग उसको पढ़ते हैं, तो उसमें विद डिटेल दिया गया कैसे ये प्रूव हुआ ये भी दिया गया है। आपको क्या करना, दो नंबर माता है इतना लिख दोगे दो नंबर मिल जाएगा आराम से, आपको पीएचडी नहीं करनी है ठीक है, और टाइम भी आपके पास इतना नहीं है यार, 19 जुलाई को जब आपका पेपर है तो ऐसे समझ लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो लेमडा एम प्रोपोर्शनल 1/T के होता है, जो लेमडा एम क्या होता है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम रेडिएशन होता है, वो रेडिएशन वेवलेंथ होती है, और 1/T एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है टी, और होता है क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो यहाँ पर देखो लेमडा एम इक्वल टू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कॉन्स्टेंट होता है उसका वैल्यू होता है, जिसे हम बीन्स डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंट कहते हैं, उसका वैल्यू बहुत ही जानना है वाइवा के लिए, वाइवा में अधिकतर वैल्यू पूछता है क्या होता है 2.89810⁻³। जब मैं पढ़ता था तो मेरे में क्वेश्चन पूछा गया स्टीवंस ला का ठीक है, उसका वैल्यू पूछा था मुझसे, उसका यूनिट पूछा था, एग्जामिनेशन में भी मेरा आया था 2 नंबर में वो ठीक है। आपके में देखो कौन सा है वो आपकी किस्मत है, इसका वैल्यू याद कर लेना 2.89810⁻³ मीटर केल्विन ठीक है, ये इसका यूनिट याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है ठीक है। और देखो इसी के साथ साथ देखो आपको पता होगा जैसे ही आप लेमडा एम वेवलेंथ को इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, पर रेयर केसेस में क्या होता है इन जनरली टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और जो हमारी वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर होती जाती है, मतलब कम होती जाती है, मीन्स डिक्रीज होती जाती है। ये मैं लिखा हूँ कि बेन टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज मैक्सिमम एनर्जी दिस टूवर्ड्स अ शॉर्टर वेवलेंथ, जो मैक्सिमम एनर्जी जो हमने आपको ई लेमडा बताया है वो क्या होगी वेवलेंथ जो उसकी होगी शॉर्टर होती जाएगी, मीन्स डिक्रीज होती जाएगी ठीक है। भाई जो बताया भाई लिखा है बीन्स ला क्या होता है भाई यार ई एम प्रोपोर्शनल टी की पावर 5, मतलब जो जो मैक्सिमम एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है द 5/5 पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर के है ठीक है। भाई आपको जनरली आपको ये लिखना पड़ेगा और जो मैं लिखा हूँ इसको आपको लिख देना, 2 नंबर में मिल जाएगा, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे ठीक है। यहाँ पर भी यार कांस्टेंट क्या है, जो कांस्टेंट है इसकी जगह पे क्या होगा बीन्स होगा, और जो बीन्स होगा उसका वैल्यू मैं बता चुका हूँ 2.89810⁻³ मीटर केल्विन ठीक है। आगे देखो रेली जीन्स ला, इसमें क्या होता है जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ई लेमडा वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है 8π kT/λ⁴, किस फॉर्म में होता है 8π kT/λ⁴। आपको यहाँ पर पाई पता ही है, 8 पता ही है, के क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका वैल्यू भी पूछा जाता है रेयर केसेस में 1.38 × 10⁻²³ जूल प्रति केल्विन, इसका ये वैल्यू होता है ठीक है। के क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, लेमडा क्या वेवलेंथ, टी क्या एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो रेली चीन्स ला अधिकतर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, फॉर्मूला याद कर लो ई लेमडा इक्वल टू 8π kT/λ⁴। जब मैं पढ़ता था मैं तो घोटा था इसको, सही बता रहा हूँ, फॉर्मूला घोटा था, उसी प्रकार से मैं लिख देता था, कहला अकॉर्डिंग टू रेली चीन्स ला एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन द थर्मल स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय ई लेमडा इक्वल टू 8π kT/λ⁴ ठीक है। अब आगे देखो जो रेली जीन्स ला होता है ये फॉर लॉन्गर वेवलेंथ के लिए लागू होता है ठीक है, उसी का जुड़वा भाई है उसका नाम है प्लांक्स ला, ये भी जो है मतलब कि पूरा एंटायर रीजन को कवर कर लेता है वेवलेंथ के ठीक है, लिखा भी है प्लांक्स ला कवर द एंटायर रीजन ऑफ वेवलेंथ, वो क्या होता है वो लॉन्गर वेवलेंथ के लिए लागू होता है भाई, बात है वो लॉन्गर के लिए होता है, एक एंटायर कवर कर रहा है, दोनों का काम एक ही है पर फॉर्मूला में डिफरेंस है। ये भी क्या होता है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इसका होता है थर्मल स्पेक्ट्रम के फॉर्म में होता है, ई लेमडा इक्वल टू 8π sc/λ⁵, ई लेमडा sc/λ kT-1, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो एच एक टर्म आया है, एच क्या होता है प्लांक्स, एच क्या होता है आप लोग जानते भी होंगे एच को यार, एच का तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार, किसमें इंपॉर्टेंट है बताइएगा, एच का जब आप 12th में पढ़े होंगे ना, पूरा जितना भी आप पढ़ेंगे ये पूरा डी ब्रोगली इक्वेशन से आपने चालू किया होगा, प्लांक्स कांस्टेंट वहाँ से बहुत है, इसका वैल्यू बताओ कितना होता है 6.64 × 10⁻³⁴, याद रखना इसका वैल्यू होता है। प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल भी बहुत बार पूछा जाता है, बीमा भी पूछा जाता है, तो आप याद करना ठीक है। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसका वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 1.38 × 10⁻³ जूल प्रति केल्विन, ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू। प्लांक कांस्टेंट 6.64 × 10⁻³, ये प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू होता है। फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ई लैम्डा इक्वल टू होता है 8π sc/λ⁵ lambda sc/λ kT-1 ठीक है। थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक था, कोई मैंने अलग से आपको नहीं बताया है, जो सामने लिखा था भाई मैंने आपको पढ़ के बताया है ठीक है। अरे यही मैं डायरेक्ट नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देता तो आपको कुछ नहीं समझ में आता, ऐसे मैं आपको बता दे रहा हूँ तो कुछ समझ में आता होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपसे ठीक है। इसके बाद क्या है वेव पार्टिकल ड्यूलिटी है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा, और जो मैटर वेव्स है डी ब्रोगली वेव्स है ये भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कवर कर दूंगा,
और इसी के साथ वेब फंक्शन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो वेब फंक्शन है, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है वेब फंक्शन से, ठीक है। तो वेब फंक्शन है, तो वेब फंक्शन का जो लिमिटेशन है वो भी मैं बताऊंगा आपको, और उसके लिमिटेशन, बस यहाँ से हमारा टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा। इसके बाद टाइम इंडिपेंडेंट जो है वो सब मैं, जो पीछे आपको वाइट बोर्ड दिख रहा है इसी के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो लेक्चर में यही करता हूँ, अभी वीडियो पे चैनल पे नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, अभी वीडियो अच्छी लगती हो लाइक्स कर देना यार, ठीक है, ओके बाय।